येस इट्स फाइन नाउ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू येस हाँ जी uh, जो भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया उन सब लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है पर्सनल व्हाट्सएप पर सो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के अपने ट्वेंटी वन डेज पूरे थोड़ा होने चाहिए काइंडली म्यूट योर सेल्फ एवरी वन थैंक यू सो मच यू ऑल आर वेरी सपोर्टिव थैंक यू फॉर दिस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत अच्छे से मज़ा आता है आप लोगों के साथ ये सेशन करने में सो थैंक यू सो मच एवरी वन द थिंग इज़ कि कहीं भी होपोनो पोनो में या फॉरगिवनेस प्रेयर में ये नहीं लिखा है कि आप उसे 21 डेज़ तक करें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लियर दिस ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने कहा है कि 21 डेज तक करें सो डोंट फॉलो मी आप चाहें तो मुझे फॉलो करें आप ना चाहें मुझे फॉलो ना करें इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसे रोज़ करना चाहते हैं 21 डेज़ करना चाहते हैं 31 करना चाहते हैं या सेवन डेज़ करना चाहते हैं मैंने साइंस uh, के लॉजिक के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेलेक्ट किया हमेशा मैं ऐसा करती हूँ बिकॉज 21 डेज़ हमारे सेल्स को रिजुवनेट होने का नए सेल्स को जनरेट होने का टाइम लगता है वो एक 21 डेज में हम उस सेल की मेमोरी में उस चीज़ को फीड कर चुके होते हैं दरू? हमारे प्लीज़ म्यूट एवरी हमारे जो सेल्स हैं ना हर सेल की एक मेमोरी होती है उस सेल की मेमोरी में जो आप बोलते हैं वो जाके फीड हो जाता है सो so, जो भी आप उसमें फीड कर रहे हैं वो उसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा सो वी नीड ट्वेंटी वन डेज प्रैक्टिस टू हील आर सेल्फ जितने भी सेल्स हैं उनको हील करने के लिए हमें ट्वेंटी वन डेज का मिनिमम टाइम चाहिए होता है है ना सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने दिन का सिलेक्शन चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि जिन भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो अपने 21 वन डेज ज़रूर काउंट कर लें अच्छे रिजल्ट के लिए क्योंकि मुझे ऐसा मिला है इसके बाद भी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं ओके okay? सो so, इस कन्फ्यूज़न में ना जाए कि मेरा फर्स्ट डे नहीं हुआ मेरा सेकेंड डे नहीं हुआ मैं कैसे करूँगी आप रिकॉर्डिंग सुन के और उसके में भी कई लोगों को टाइमिंग को लेके इशू था कि मैंने ऐसा कहा था कि सुबह नहीं करना चाहिए नौ बजे तक तो मैं दस बजे कैसे करूं मैंने आठ बजे कर लिया वो सारे सवाल आए थे डेफिनेटली आप लोग इससे अवेयर इतना नहीं है तो आप लोगों के ये क्वेश्चन आए होंगे बट द थिंग इज़ कि ये भी मेरा परसेप्शन है मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं सुबह नहीं करती आपको सुबह अच्छा लगता है आप हो पोनो पोनो सुबह कर सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी ना लगाएं इसीलिए कहते हैं कि मैजिक बुक इज़ द बेस आप सब लोगों को अगर मैजिक बुक के बारे में पता है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन अगर नहीं पता है तो भी आप सभी लोग प्लीज़ अपनी लाइफ में मैजिक बुक को ज़रूर स्पेस दीजिएगा ये थर्टी थ्री डेज़ के करीबन का एक कोर्स होता है जब भी जहां भी आपको मौका मिले ये थर्टी थ्री डेज़ के कोर्स को ज़रूर कीजिएगा उससे आप लोगों के क्यों किंतु परंतु बट वाई ऑल एवरी थिंग विल बी सॉल्व तो जो दिमाग में स्ट्रेटेजी लगाने की आदत होती है ना कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा अगर ऐसा करूँगी तो वैसे रिजल्ट आएंगे इससे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट है तो ये सारे इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए आप लोग मैजिक बुक ज़रूर करें एंड डेफिनेटली उससे आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत सारे मैजिक होंगे क्योंकि हम सब की लाइफ में भी हुए हैं सेकेंडली uh, ये लोगों ने पूछा था कि वो क्या किसी इंटेंशन को लेके कर सकते हैं तो देखिए यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं हो पोनो पोनो को लेके फॉरगिवनेस प्रेयर को लेके कि आप मनी के लिए कर सकते हैं आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं आप वेल्थ के लिए आप फाइनेंशियल जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए सब के लिए लोगों ने किया है एंड दे हैव गॉट ब्यूटिफुल रिजल्ट उन सबको उसमें विक्ट्री भी मिला है तो आप भी इंटेंशन लेके कर सकते हैं मैंने बहुत कम किया है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ टेक्निक में कहीं नहीं लिखा है कि आप इंटेंशन को लेके करें आप किसी व्यक्ति विशेष को लेके करें या आज आपका झगड़ा हुआ है या आपने पास्ट में उसके साथ कोई झगड़ा किया तो आप उसको लेकर करें मैं भी ऐसा बहुत कम करती हूँ जनरली uh, जब मैं बहुत ऐसा हो गया कि अभी मेरे साथ किसी के साथ बात हुई और मुझसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैं मुझसे नहीं सहन हो रहा है मैं अपनी लिमिट से बाहर चली गई हूँ तब मैं ज़रूर हो पोनो पोनो को यूज़ करती हूँ बट उसमें भी मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लेती बट वीडियोज़ uh, में और कई जगह पर ऐसा लिखा गया है लोगों ने किया है आप भी करके ट्राई कर सकते हैं अपने बॉस के लिए जॉब के इंटरव्यू के लिए और uh, एग्ज़ाम के लिए अपनी सक्सेसफुल मीटिंग के लिए कई लोगों ने अलग अलग इंटेंशन लेके किया है हो पोनो पोनो को तो आप भी इंटेंशन रख सकते हैं कि यस मेरा ये इंटेंशन है इंटेंशन कैसा होना चाहिए अगेन ये बेस मेज मैजिक बुक से प्रिपेयर होता है कि इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए इंटेंशन का जो लिखाने का तरीका है समझने का तरीका है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैजिक बुक और इंटेंशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं करके आए हैं सो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्ट्रैटेजी को ना लगाएं ब्लैंक होकर के यूनिवर्स से प्रे करें आपका सब कुछ उसमें आ जाता है यूनिवर्स को सृष्टि को सब पता है कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है कहाँ क्या हो रहा है हेल्थ में भी डेफ़िनेटली हेल्थ में बहुत इफेक्ट मिले हैं लोगों को जब भी आप हेल्थ के लिए हो पुनोपुनो पुनो करते हैं तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा बट इंटेंशन अगर आप अलग रखते हैं कैसा रखते हैं ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो एक अलग ही कोर्स और अलग ही चीज आ जाती है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी तो फर्स्ट थिंग इज कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो अपने ट्वेंटी वन डेज कर सकते हैं ना कर सकते हैं टोटली उनकी चॉइस है कि मैंने सेलेक्ट किया है ट्वेंटी डेज करने के लिए सेकेंडली टाइम आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं मैं सुबह में नहीं करती हूँ आप अपनी इच्छा करें तब कर सकते हैं नौ बजे बात करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें आठ बजे करें मैं जनरली नौ दस बजे के बाद वैसे भी वो मेरे शेड्यूल में आता भी नहीं है क्योंकि मैं ब्लैसिंग्स लिखती हूँ ड्रीम विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव वाली चीज़ें रेकी योगा ये सब करने के बाद अगर हम हो पुनः करते तो वो दस ग्यारह का टाइम हो ही जाता है मेरे लिए तो आपको जो टाइम सूट करता है आप उसके लिए कर सकते हैं चप्पल पहनने का बेड पर बैठने का नहा के करने का ऐसा कोई रूल हो पोनो पोनो के लिए फर्गिवनेस प्रेयर के लिए नहीं लिखा गया है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए इंटेंशन के लिए नहीं लिखा गया आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं हर एक के लिए ले सकते हैं इसलिए मैं कहूँगी कि अपना पाठ खुद बनाएं है ना नो वन कैन चेंज योर ओन लाइफ आपकी अपनी जिंदगी को मैं नहीं बदल सकती कोई और नहीं बदल सकता कोई भी नहीं महान से महान लोग भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते यू हैव टू चेंज योर सेल्फ तो आपको अपने सारे जो रास्ता चूज करने करने के तरीके हैं, हैं। वो खुद ही डिसाइड okay, yes, कि लाइफ इट विल चेंज इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा Sorry, जी सारिका आज मॉर्निंग में मैंने मॉर्निंग में मतलब पूजा के टाइम में मैंने पांच मिनट का ये हुक्नोक्नो किया था तो पता नहीं जो आग से इतना आंसू निकल रहा था मैं रीजन नहीं समझ पाई और रोकने की कोशिश में भी वो रुका नहीं क्या बात है लेकिन है ना ये अच्छा है अंजलि जी अगर आप ऐसा कर पा रही हैं तो ये अच्छा है क्योंकि हो पोनोपोनो यही है आपके माइंड से आपके हार्ट से जितने भी ग्रजेस हैं उनको रिलीज करने का ही ये मेथड है तो अगर आप इसको इस तरह से कर पा रहे हैं तो ये सही मैथड है डजन बट हाँ यहीं पर एक और चीज मैं बता देती हूँ कि प्लीज इसको इतना इमोशनल और गिल्ट में लेकर ना जाए आई एम सॉरी का मतलब भी, ये भी, नहीं, भी, है. नहीं, नहीं है जी तब बिल्कुल सही

तब आप क्या करेंगे मतलब लिटरली हम शायद थरथर कांपने लगेंगे और हमारे आंखों से सिर्फ आंसू ही निकलेंगे तो ये वही स्टेज है वही हाई स्टेज में उसको करने का टाइम सेट किया है मैं और मॉर्निंग में जैसे पूजा करती हूँ आठ नौ बजे उसी समय साथ साथ उसको भी कर बिल्कुल बिल्कुल आप तो ये कर सकते हैं जी आया। आज फर्स्ट डे मेरा मैंने किया था जी जी इसलिए आप जी नहीं बिल्कुल ये सही तरीका है कोई बात नहीं कुछ दिनों के बाद ही आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा चैलेंज खत्म हो जाएंगे और आप ब्लैंकली ईश्वर से यूनिवर्स से प्रेयर करने लगेंगे और मुझे लगता है शायद आप बहुत खुश होके करने लगेंगे क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है स्माइल आने लगेगी चेहरे पे खुशी आएगी आई एम सॉरी वाला गिल्ट नहीं आएगा और मैं जो भी न्यू मेंबर्स हैं उनको भी ये सब कहना चाहूँगी कि आई एम सॉरी में कहीं पे भी आप ये गिल्ट ना लाएं कि अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं अब उस गिल्ट में भर जाऊँ और अब मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ नहीं ये आपकी पास्ट की मेमोरीज को खदेड़ने वाला काम ना करें गड्ढे और ना खोदें हमें कितनी बार करनी है प्रैक्टिस कितनी भी बार कर सकते हैं पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट कोई भी कोई भी लॉजिक ना लगाए प्लीज डू इट योर सेल्फ योर हार्ट आपका जो दिल है ना वो फीलिंग से भरा हुआ होना चाहिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से लव से अफेक्शन से क्योंकि आप यूनिवर्स से इसकी बात कर रहे हैं समझ रहे हैं ना आप पूरा ब्रह्मांड आपको सुन रहा है यू आर द ओनली वन आप अकेले खड़े होके पूरे ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रहे हैं तो उस वक्त जो आपका क्या कहते हैं ना दिल से हार्दिक दिले जिसे कहते हैं तो वो हार्दिक दिल आपका बाहर आना चाहिए ओके सो लेट्स स्टार्ट आर टू डेज प्रैक्टिस हो पोनो पोनो के बारे में जो भी है वो फिर से बताना होगा क्योंकि आज भी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नए मेंबर्स प्लीज आपस में थोड़ा कोऑपरेट कर ले ये, हमारी क्वेश्चन था सारे जी ये आपने जो बोला कि डिफरेंट सिचुएशन के लिए लोग कर सकते कोई मत जरूरी नहीं जी, तो लेकिन हर सिचुएशन के लिए यही चार वर्ड ही रहेगा कि और भी कुछ चेंज होगा ये चार वर्ड शाश्वत सत्य है ये मैंने नहीं बनाए आपने नहीं बनाए ना मैंने बनाए ने ना इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए या किसी फ्रेंड्स के, के लिए किसी रिलेटिव्स के लिए यही चार चीजें हैं क्योंकि यही जिंदगी का सत्य है जो सब कुछ है वो लाइफ का इसी में है ओके ये हवायन वर्ड है शॉर्ट में एक छोटी सी लाइन में बता दूंगी वापस से सब नए लोगों के लिए हवायन वर्ड है हो ओपोनोपोनो हो एंड ओपोनोपोनो दोनों अलग अलग वर्ड्स को मिला के हो ओपोनोपोनो बनाया गया इट मीन्स करेक्ट अ मिस्टेक हो का मतलब है होना मै मेक इट राइट जो भी गलतियाँ हमने की है जो भी रॉन्ग कोज हमने किए उन कॉजेस को करेक्ट करने का मेथड है हो पोनो, पोनो हम लोग इस पूरे ग्रुप के अंदर कुछ प्रार्थनाएँ करेंगे जो इंस्टेंट होंगी और उसके बाद टेन मिनट्स के लिए हो पोनो, पोनो करेंगे ये प्रैक्टिस ऐसी जिसमें कोई बाउंडेशन इंस्ट्रक्शन नहीं है फोर फ्रेजेज इसमें होते हैं आई एम सॉरी और सॉरी कुछ भी आप बोल सकते हैं प्लीज़ फॉर मी और फॉर थैंक यू एंड आई लव यू आप हर चीज की जो भी कॉज आपने अपनी जिंदगी में किए हैं उस सब की जिम्मेदारी लेते हैं जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें क्षमा करने की माफी मांगने की चाह करते हैं वही चाह आपको यहाँ करनी है स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें आपको ग्रैटिट्यूड करना है थैंक यू करना है यूनिवर्स को क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ दी फाइनल स्टेप फॉर एवरी थिंग ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी चीज़ है और उसके बाद दिल में प्यार भरना है लव को लिख के आना है क्योंकि लव ही है जो आपको चारों तरफ फैलाना है एंड दिस इज दी फाइनल स्टेज आप अपनी लाइफ में प्यार ही प्यार चाहते हैं ओके सो आज के लिए अब इतना ही रोकते हैं होपोनोपोनो कई मूवीज़ में भी यूज़ किया गया है Uh, हवाईयन मूवीज़ में भी है हिंदी मूवीज़ इंग्लिश मूवीज़ में भी है और uh, एक मूवी है जिसको ओहाना उसका नाम है आप उसे भी देख सकते हैं कई जगह पे यूज़ है ये सिद्ध तकनीक है आप इस पर कभी ये ना सोचे कि इसमें क्या होगा कहाँ से आया कैसे होगा ये कई हज़ारों सालों से सिद्ध है और डॉक्टर ह्यू लैन के बाद में बहुत फेमस हुआ क्योंकि ह्यू लैन ने क्रिमिनली जो मेंटल रिटार्डेड हॉस्पिटल में हवाईन स्टेट हॉस्पिटल में पेशेंट थे उनको बगैर देखे बगैर उनसे मिले उन्हें कंप्लीटली हील कर दिया था सिर्फ एक रूम में रह के उनके लिए हो पोनो पोनो करके सो so, हम इतनी बड़ी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन आर माइंड और सोल और हार्ट की हम क्या कर रहे हैं या क्या होगा कैसे होगा लीव इट ऑन द यूनिवर्स इसीलिए अब बस वही मैजिक बुक काम आती है हर जगह सो so, uh, अभी हम स्टार्ट करते हैं सीमा जी आई नो आपका कल भी रह गया था थोड़ा इनकम्प्लीट बट एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं अलेवन फोर्टीन हो चुका है म्यूट योर सेल्फ सुषमा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू म्यूट नाउ अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाए कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग अब अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें हे प्रभु हे ईश्वर हे परमात्मा आपने मुझे ये सुंदर शरीर दिया है इस स्वस्थ शरीर के लिए आपको दिल से धन्यवाद 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 यह शरीर जिन पांच तत्वों से बना है धरती माँ को आकाश पिता को जल अग्नि और वायु को धन्यवाद 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 इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए सूर्य देव को धन्यवाद 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 आज मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करती हूँ ये दिव्य अंश जो ईश्वर का मुझ में है मैं उससे प्रार्थना करती हूँ अपने आप को एक पवित्र झरने के पास महसूस करें महसूस करें कि आप अपनी आत्मा के साथ उस झरने के पास बैठे हैं बहते हुए पानी को महसूस करें उसकी शीतलता को महसूस करें अपने कानों में उस आवाज़ को जाने दें सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ आपके कानों में जा रही है अब अपनी आंखों को बंद करते हुए महसूस करें महसूस करें कि यह पावन जल आपको शीतलता दे रहा है अब आपके चारों ओर केवल सफेद प्रकाश है यहां और कोई भी नहीं है सिर्फ आप हैं और ये बहता झरना हे ईश्वर ये प्रकृति के सुंदर उपहार आपने मुझे दिए लेकिन मैंने कभी इनका शुक्रिया नहीं अदा किया प्रकृति के इन सुंदर उपहारों के लिए धन्यवाद 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 ये हरे भरे पेड़ पौधे हरियाली चारों ओर लहलहा रही है जिसे मैं देख पा रही हूँ मन की आँखों से ये हरियाली और पेड़ पौधे मेरे जीवन को सचमुच कितना सुंदर बनाते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में यही तो है जो मेरे जीवन की व्यवस्था करते हैं इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद 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 हे संपूर्ण ब्रह्मांड आपने मुझे सब कुछ दिया उसके बाद भी मैंने सदैव आपको दोषी ठहराया मैंने सदैव उस भाग्य को दोषी ठहराया जाने अनजाने में मैंने कई बार शिकायतें की दोषारोपण किया रॉन्ग कॉज किए मैं आज इस जल को साक्षी मानते हुए आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी किए गए कार्यों के लिए जो मैंने जाने और अनजाने में किए हैं हे ईश्वर हे परमात्मा हे परमपिता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियाँ मैं आज आप सभी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करती हूँ मेरे इस जीवन काल में और पुराने सभी जीवन चक्रों में मैंने जो भी अपराध किए हैं किसी का भी दिल दुखाया है सताया है रुलाया है मुझे उसके लिए क्षमा करें आई एम सॉरी Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Hey, Sampuna Brahman. इस जल को साक्षी मानते हुए मैंने अपने सारे कर्मों की जिम्मेदारी ली है मैं दिल से आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ मुझे माफ करें और मुझे सचमुच उतना ही प्यार करें जितना आप हमेशा करते आए हैं हे ईश्वर मेरी सभी गलतियों को आपने हमेशा नजरअंदाज किया है आपके इतने प्यार के लिए इतने उपहार के लिए दिल से धन्यवाद 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 हे ईश्वर हे संपूर्ण ब्रह्मांड हे प्रकृति मैं सचमुच दिल से आपसे प्रेम करती हूँ आई लव यू अपने दोनों हाथों को फैलाकर ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हुए आंखें बंद करके उस झरने से कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी सारी बातों को सुनने के लिए मेरी क्षमा प्रार्थना को सुनने के लिए मेरी गलती को स्वीकार करने के लिए ये पानी ही मेरे साथ था इसके लिए धन्यवाद 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 धीरे धीरे पुनः अपने आप में लौट कर आएं। अपनी बंद आंखों से खुद को महसूस करें अपनी आत्मा को महसूस करें महसूस करें उस हल्के पन को और धन्यवाद दें इस पूरे ब्रह्मांड को सभी साथियों को हे संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा मेरे सभी साथियों के द्वारा संपूर्ण जीवन चक्रों में जो भी अपराध किए गए हैं मैं उन सब की क्षमा प्रार्थना करती हूँ हम सभी को क्षमा करें और हमें सुमार्ग की ओर ले चलें हम सभी को यह सुअवसर देने के लिए समूचे ब्रह्मांड का धन्यवाद 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 अपने दोनों हाथों से खुद को आशीर्वाद देंगे और कहेंगे मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ मैं एक दिव्य और पावन आत्मा हूँ अपने दोनों हाथों को रब करेंगे हे ईश्वर इस सुंदर शरीर स्वस्थ काया के लिए आपको धन्यवाद 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 मेरे शरीर में जो आत्मा है वो आपका अंश है मैं ईश्वर का अंश हूँ इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु मैं सचमुच इस दिव्य आत्मा की सुरक्षा करना चाहती हूँ जैसा आपने मुझे दिया था मैं वैसे ही पवित्र रहना चाहती हूँ मैं और मेरे साथी इसे हमेशा कर सकें ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए कहेंगे यस आई एम एन आई एम एन आई एम एन मैं सचमुच ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ मैं ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हूँ मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ हे ईश्वर मुझे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद 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 थैंक यू थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन थैंक यू आज थैंक यू सारिका जी थैंक यू थैंक यू सारिका जी बहुत अच्छा नींद से आने लग जाती है थैंक यू सो मच सारिका थैंक यू सो मच थैंक यू सारिका जी थैंक यू सो मच सारिका जी थैंक यू थैंक यू सो मच मच थैंक यू बहुत बहुत हल्की हो गई बहुत ही अच्छा लगा क्या बात है थैंक यू जी थैंक यू बहुत जी। में से आंसू निकलने लगे और जैसे कभी जैसे भूल हो गई है वो सब सामने नजर के सामने आने लगा सचमुच मैं बहुत पवित्र हो गई आज बहुत पवित्र हो गई आंख में से आंसू ही निकल रहे हैं निकल रहे हैं निकल रहे हैं इतना आपने पवित्र ने, कर दिया आपने कर मुझे पवित्र कर दिया हल्के होता है देखिए जब हमने इतना ग्रज हमारे अंदर इकट्ठा कर रखा है तो उसको निकलने का तो टाइम चाहिएगा ना और अब वो निकलना शुरू हुआ है अब उसमें आप प्यार भरते जाइए क्योंकि जगह खाली हो रही है उस खाली जगह के अंदर खूब सारा प्यार भर दीजिए खूब सारा ग्रेटिट्यूड भर दीजिए तो बस हमारी लाइफ में सिर्फ प्यार और शुक्रिया यही रहेगा गॉड ब्लेस यू आपको गॉड ब्लेस यूर सभी मनोकामना आपके पूर्ण करे थैंक यू थैंक यू हम सभी की मनोकामनाएं पूरी हो मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर हम सबके सारे सपने पूरे करें हम सबको खूब सारी खुशियाँ मिले खूब सारा प्यार मिले और हमारी जिंदगी जैसी हम चाहते हैं हम सबकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन जाए और जितनी रोशनी हम अपनी लाइफ में ला रहे हैं यही प्रार्थना है कि हम दूसरों की लाइफ को खूब सारी रोशनी से भर सकें प्यार से भर सकें थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड ये होके रहेगा थैंक यू मैकमी आपके outdoor. आवाज में जादू है आपके आवाज में जादू है थैंक यू थैंक यू जी गुड मॉर्निंग मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज हाँ जी पूछ लीजिए हमारे पास आठ मिनट हैं अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो हम एक के बाद एक फटाफट शॉर्ट में कर लेते हैं भारतीय अगर आप वीडियो ऑन कर सके मुझे अच्छा लगेगा एक्चुअली मैम मैं आई एम सॉरी उसके लिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ सो फ्रॉम टमोरो आई विल मेक श्योर आई कैन एनी वेज थैंक यू सो मच मैम मैं आज से ही आपसे जुड़ी हुई हूँ दो दिन मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आया एंड मैं ये होपोनोपोनो करती हूं हमेशा बट मुझे आपसे मैम एक सिर्फ बात पूछनी थी कि मैम अभी जैसे कहते हैं आपने कहा था सवेरे इंटेंशन ये डालना है वो डालना है बट मैम आज यूनिवर्स को तो सब पता ही है हमारे लिए कि हमको मतलब क्या तकलीफ है या हमको किस चीज की जरूरत है क्या है क्या नहीं मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई भी इंटेंशन नहीं डालती हूँ और डायरेक्टली कहती हूँ कि uh, लाइक like, uh, बाबा uh, मेरी uh, बबीता ये जी, तक... आपने सेशन शायद ठीक से सुना नहीं मैंने यही कहा था कि अभी ही अभी ही इस वाले सेशन में मैंने यही कहा था कि अगर आप चाहें तो इंटेंशन डालें लोग ऐसा करते हैं मैंने ऐसा नहीं किया मैं हाँ, हमेशा ब्लैंकली यूनिवर्स को बोलती हूँ और मैंने यही लाइन बोली थी कि सृष्टि को ब्रह्मांड को पता है कि हमें क्या चाहिए शायद आप सुनने में थोड़ा आपका गड़बड़ हो गया है So, नहीं मैम एक्चुअली क्या मेरा इंटरनेट हाँ 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 थोड़ा वाईफाई इंटरनेट में मेरी थोड़ी तकलीफ आवाज आ रही जा रही है जी, जी, तो जी. मैं इंटेंशन नहीं डाल के सिर्फ यही कहती हूँ कि देयर यूनिवर्स जो भी सिचुएशन जो भी Hello. मेरे आमने सामने हो रहा है hmm. मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड देन आई से आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू दैट इज एब्सोल्युटली ओके मैम एक कप चाय बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा कर सकती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है वही सही तरीका है जी, जी क्योंकि बिकॉज इंटेंशन so, तो रखने की तो जरूरत ही नहीं है मतलब यूनिवर्स को तो सब पता ही है तो yes, इसके लिए थैंक यू सो मच मैम थैंक्स अलॉट और ये कभी भी किसी वक्त पे भी चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं ना हाँ जी जी बिल्कुल थैंक यू थैंक यू एनी एल्स वॉन्ट टू आस्क थैंक यू भाई मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भतीजे के लिए उसको थोड़ी आँख में प्रॉब्लम है और उसके लिए मेरी मम्मी मतलब उसकी दादी कर सकती है ये प्रेर हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है अगर आपके दिल में भाव है तो आप कर सकते हैं है जी। और पहले मैं चाहूंगी कि हम खुद के बारे में सोचें है ना ज़रूर हमारा ये एक इमोशनल फैक्टर होता है कि हम दूसरों के लिए कर सकें पर पहले खुद की आत्मा को इतना पवित्र बनाइए कि आप दूसरों के लिए काम कर सकें है ना अगर आपके पास वो पावर ही नहीं है तो आप करेंगे तो कैसे इफेक्ट होगा आपके कर्माज एक्सपिएट होंगे तो आप दूसरों के कर्मों के लिए अच्छा कर सकेंगे है ना यही हमें सिखाया जाता है यही एक सही तरीका है देखिए डॉक्टर ह्यू लैन ने क्या किया था महीनों तक उन्होंने प्रैक्टिस की क्यों और ख़ुद को एक कमरे में बंद रखा क्या हम ऐसा कर सकते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि लेके होपोनोपोनो का प्रैक्टिस किया था सिर्फ इसलिए ताकि वो पहले अपने आप की सोल को वैसा कर सकें है ना उसके बाद उन्होंने और ये यूनिवर्स का मैथमेटिक्स है कैसे सॉल्व होता है हमें नहीं पता सो द फर्स्ट थिंग इज पहले अपने खुद के लिए कीजिए पहले खुद के ग्रजेस को बाहर निकलने दीजिए यू शुड बी अ प्योर सोल अपने अपने आप की सफाई होने के बाद ही तो हम दूसरों की सफाई पे ध्यान दे पाएंगे ना तो बेटर है पहले आप अपने लिए कीजिए अगर आपको लगता है आप में चेंजेस हैं देन यू कैन यूज फॉर अदर्स ऑल्सो जी थैंक यू सीमा जी थैंक यू एनी वन एल्स कोई कुछ पूछ पूछना चाहता है हमारे पास थ्री मिनट्स और हैं जी, है। जी जी, जी. हाँ मैंने आज आपकी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है ये पोना को समझ नहीं आया क्या है इसका मीनिंग रेखा जी आई रिक्वेस्ट की आप यूट्यूब आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं हाँ जी हाँ जी आप प्लीज़ यूट्यूब की वीडियोस देख लीजिए क्योंकि पूरा सब फिर से बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा और टाइम लिमिट भी बहुत कम बचा है okay. आ, आप वीडियोस okay. देखेंगे डे वन और डे टू में आपको पूरा समझ में आ जाएगा ओके जी सुधा जी सुधा जी आप क्या कह रही हैं बताइए जी ममता जी फिर हम आपके पास आते हैं सुधा जी अनम्यूट कीजिए आपको अच्छा अच्छा सॉरी हाँ मैं ये कह रही थी सारिका जी कि वो जो इनसे पहले जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम चलते फिरते हो पोनो पोनो तो कर नहीं सकते कि हम घूमते फिरते हो पोनो पोनो कर सकते हैं तो एक जगह बैठ के ही करना होता है ना देखिए जिसका जैसा मन होता है वैसा कर सकते हैं कई बार हमें कंडीशन ऐसा करती है कि हमें चलते फिरते करना पड़ता है बट अगर आपकी फ़ीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उसके अंदर यूनिवर्स से ट्यून कर पा रहे हैं ट्यूनिंग करके बात कर पा रहे हैं तो आप चलते फिरते कर लीजिए लेकिन आ, मैं हमेशा बैठ के करती हूँ कोई सिचुएशन ऐसी होती है किसी वक्त आप नहीं कर सकते तब आप चलते फिरते करिए देखिए आप चल रहे हैं आपका ध्यान उन वर्ड्स पर है ही नहीं और आप होपोनो पोनो कर रहे हैं तो उसका वैसे भी कोई फायदा नहीं है सो इट्स अप टू यू मैंने अभी ना शुरू में यही बोला कि किसी को भी फॉलो मत कीजिए नो वन कैन चेंज योर लाइफ यू शुड मेक योर ओन पाथ अपने आप से डिसाइड कीजिए आपका दिल क्या कह रहा है आपका मन कहाँ बैठ के लग रहा है आप कब यूनिवर्स से बात कर पा रहे हैं उसी टाइम को सेलेक्ट कीजिए mm -hmm. उसी जगह को सेलेक्ट कीजिए ओके okay? जी थैंक यू सुधा जी जी ममता आप बताइए थैंक यू थैंक यू जी

सो सबका अलग एक्सपीरियंस है कोई दिक्कत नहीं है आप ग्रेटिट्यूड कर चुकी हैं इसलिए आपके अंदर बहुत चेंजेस ऑलरेडी होंगे सो ये काफी ये। एक बेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है सो इट्स टोटली राइट कोई दिक्कत नहीं बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच थैंक यू जी अ डिवाइन सोल थैंक यू सो मच हम सभी एक डिवाइन सोल yes. है विंदा um, जी अंजना जी आपसे कहना चाहिए थैंक यू सरिका जी मुझे ये पूछना है कि मेरी डॉटर जिसे मैरिड है तो अगर मुझे उसकी किसी विश के लिए अपनो अपनो यूज करनी है तो मैं किस तरह के प्रोटोकॉल के साथ करूँ किस तरह की इंटेंशंस के साथ करूँ अंजना जी वो खुद भी कर सकती है ना है ना मैम बच्चे तो मम्मी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं ना <laughs> कि मम्मी कर देगी <laughs> देखिए बच्चे तो मम्मी पे डिपेंड करते हैं हम भी सृष्टि पे डिपेंड करते हैं पर सृष्टि को हम कहते हैं तो वो हमें देती है ना है ना जब हम अपने बच्चों okay. को अपने ऊपर निर्भर कर देंगे तो सब कुछ चीज़ें कैसी होंगी प्रकृति ने हमें इतने उपहार दिए हैं पूरी सृष्टि ने हमें सब कुछ दिया है हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं हम जानते हैं फिर भी हम अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक खुद करते हैं ना लेट देम डू आप कर सकती हैं इसमें कोई मनाही नहीं है आप कीजिए उन कुछ भी इंटेंशन जो आपको उनके लिए लेना है लेस देन थर्टी सेकेंड्स है तो आप उनके लिए लेके कर सकती हैं बट रिजल्ट उनके लिए देखिए जब जो सोल अपने लिए खुद काम करती है तो काम करता है ना आप कीजिए उनके लिए पहले खुद के लिए